हेलो नाइन्थ क्लास, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड यू कीप योर सेल्फ बिजी इन स्टडी. स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच इज पार्ट ऑफ आवर सिविक्स. फर्स्टली आई विल डिस्कस द सिलेबस ऑफ आवर दिस चैप्टर. इट कवर्स डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेट ऑफ एडॉप्शन कि कब इसको अडॉप्ट कब किया था, हमने किस डेट को अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, डेट ऑफ एनफोर्समेंट कब एनफोर्स कब हुआ ये, कब से वर्किंग में आया ये, एंड इट्स सिग्निफिकेंस. तो इम्पोर्टेंस क्या है डेट ऑफ एनफोर्समेंट की, एंड द आल्सो आई विल टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन टूडेज वीडियो आई विल डिस्कस ओनली द इम्पोर्टेंट टर्म्स विच आर रिलेटिंग टू अवर चैप्टर. First important term is constitution. It also covers the definition of the constitution. So, a constitution is a comprehensive. Comprehensive means it deals with all the elements. It covers it. It tells us the about the all the organs of the government like legislature, executive, and judiciary. Unki powers kya hain and how they works. All these things are covered in the constitution. So, a constitution is a comprehensive legal document. Legal document hai ye, and it enshrines the basic laws to govern a country. A country ka govern karne ke liye, a country ke administration ke liye, jo basic laws hote hai, that are included in the constitution. Secondly, it takes all possible precautions to safeguard the rights of the citizens. तो ये क्या करता है, ये सेफ गार्ड करता है जो भी citizens के पास rights है उनको ये सेफ गार्ड करेगा. It is bound on all the citizens. तो सभी citizens के ऊपर bound करता है, means all the citizens follow the constitution. तो this is the definition of the constitution. Second, cabinet mission. The cabinet mission came to India with the object of setting up a सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया. कैबिनेट मिशन क्या था, कैबिनेट मिशन एक्चुअली में व्हेन अवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज व्हेन एक्चुअली में अवर कंट्री वाज अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रपोज्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया बिकॉज दे वांटेड टू फ्री अस, दे वांटेड टू गिव द इंडिपेंडेंस टू इंडिया. सो दे सेंड अ मिशन टू इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव. तो ऑब्जेक्ट क्या था इस मिशन का, एम क्या था, ऑफ सेटिंग अप सेल्फ गवर्नमेंट. तो इनका ऑब्जेक्ट क्या था कि एक सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया में सेटअप करना. सेल्फ गवर्नमेंट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट टर्म. इट रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो इन्होंने रिकमेंड किया, सजेस्ट किया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम करने के लिए टू ड्रॉ अप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया. तो जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होगी उसका वर्क क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना. देखो कैबिनेट मिशन क्या था, कैबिनेट मिशन केम फ्रॉम द इंग्लैंड. एम क्या था इसका, ऑफ सेटिंग अप अ सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, इंडिया में एक सेल्फ गवर्नमेंट को सेटअप करना. एंड इट रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. तो इसने रिकमेंड किया कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए टू ड्रॉ अप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम अप करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होनी चाहिए. दीज वर द ऑब्जेक्टिव एंड रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन. थर्ड इज द सेल्फ गवर्नमेंट. सेल्फ गवर्नमेंट इज अ सिस्टम इन विच द सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री रूल देमसेल्व्स एंड कंट्रोल देयर ओन अफेयर्स. तो सेल्फ गवर्नमेंट एक सिस्टम होता है जिसमें कंट्री के जो पीपल होते हैं, सिटीजन्स, जो सिटीजन्स है कंट्री के, दे रूल देमसेल्व्स. वो खुद ही रूल करते हैं. देखो हमारे खुद के ही, हम खुद ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं बाय द वोटिंग सिस्टम. तो वो खुद रूल करेंगे एंड कंट्रोल देयर ओन अफेयर. जो भी इनकी प्रॉब्लम्स होंगी, अफेयर्स है, वो उसको खुद ही कंट्रोल करते हैं, खुद ही उसको सॉल्व करते हैं. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट. फोर्थ इज द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. तो बता चुकी हूं मैं आपको, इट फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसने फ्रेम किया था. तो मेन जो वर्क था कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का, इट वाज अंडर द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. तो इस असेंबली फ्रेम्ड हुई थी. इट वाज अ बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. तो इसमें मेंबर्स थे फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया,
पूरी इंडिया से इसमें मेंबर्स इंक्लूड थे एंड फ्रॉम ऑल द रिलीजन्स, चाहे वो हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, पारसीज हैं, क्रिश्चियंस हैं, ऑल द ग्रुप्स ऑफ पीपल, ओके, ऑल द कास्ट पीपल, ऑल द रिलीजन रिलीजियस ग्रुप्स ऑफ पीपल आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इट्स प्रेजिडेंट. तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रेजिडेंट थे इसके, एंड इट हैड 308 मेंबर्स. ओके, तो इसमें जब हो द मेंबर्स हु फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दे वर द 308. नेक्स्ट इज द ड्राफ्टिंग कमेटी. अब देखो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जब बनी तो उसके बाद उसमें काफी कमेटीज को फ्रेम अप किया गया जिनका आगे डिफरेंट डिफरेंट टास्क था, बट जो मेन टास्क था इट वॉज विद द ड्राफ्टिंग कमेटी. ड्राफ्टिंग कमेटी इट वॉज सेटअप बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. तो इसको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने सेटअप किया था टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ड्राफ्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को का ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए. ड्राफ्ट का मीनिंग क्या होता है? लाइक अ वर्जन ऑफ राइटिंग बिफोर इट इज फाइनलाइज्ड. हम जो इस चीज को फाइनलाइज करने से पहले एक राइटिंग, जो पीसेस ऑफ राइटिंग होती है, दैट इज कॉल्ड अ ड्राफ्ट. तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का ड्राफ्ट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप की थी. इट कंसिस्टेड ऑफ सेवन मेंबर्स. इसमें सेवन मेंबर्स थे इंक्लूडिंग द चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मीन्स भीम राव अम्बेडकर. यस, तो भीम राव अम्बेडकर जो थे ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. स्टूडेंट्स यहाँ पर काफी मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स. तो कॉन्स्टिट्यूट जो असेंबली थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि मेन वर्क इन्हीं का था, सो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. टूडे इज द 16th एंड डे बिफोर यस्टरडे आवर कंट्री सेलिब्रेटेड द बर्थडे, दैट इज द 14th अप्रैल, बर्थडे ऑफ द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. ओके, नेक्स्ट इज द प्रेम्बल. प्रेम्बल क्या है? इट इज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये इंट्रोडक्शन है, ये हम इंट्रोड्यूस करवाता है कॉन्स्टिट्यूशन से. इट डिक्लेयर्स द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये डिक्लेयर करता है एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड इट इज अ की टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ये की है, मीन्स ऑल द इम्पोर्टेंट जो भी एलिमेंट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, प्रेम्बल टेल टू अस अबाउट दोज. ओके, तो इन दिस वे दीज आर द इम्पोर्टेंट टर्म्स विच आई डिस्कस विद यू टूडे. दट इज वट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वट वॉज द कैबिनेट मिशन, वट वॉज द सेल्फ गवर्नमेंट, देन आई डिस्कस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, ड्राफ्टिंग कमेटी एंड द प्रेम्बल. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू द मेन टॉपिक, दैट इज डेट ऑफ एडॉप्शन, एनफोर्समेंट एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज ऑल अबाउट टूडे. हैव ए नाइस डे. गुड बाय. गॉड ब्लेस यू.